हमारे देश की विडंबना यह है कि राजनीतिक दलों ने आरक्षण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया और आए दिन दंगे फसाद। पिछले वर्ष हरियाणा में कितना दंगा फसाद हुआ, कई बार मुजफ्फरनगर में हुआ। अब आरक्षण हथियार के रूप में ऐसे इस्तेमाल होगा कि हर जाति, त्यागी समाज हो चाहे जाट समाज हो, जो अजगर जातियाँ हैं वो सब आरक्षण को अपनी बैसाखी बनाए हुए हैं। तो आज आवश्यकता है कि हमारी ऊर्जा, हमारे युवा बच्चे, उनकी पूर्ण ऊर्जा का सदुपयोग हो, इसके लिए इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए या सीमित कर जाए। सीमित से अभिप्राय यह है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, चाहे वो यादव समाज से हो, अनुसूचित जाति समाज से हो, पिछड़ा वर्ग से हो या अति समाज अति पिछड़े वर्ग से हो, उनको आरक्षण ना दिया जाए। अभी तो जो आज तक आरक्षण से लाभान्वित नहीं हुए उनको आरक्षण दिया है। इस कड़ी में उन्हें स्वेच्छा से भी आरक्षण लेने चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप श्री चंद्रपाल जी वरिष्ठ IAS उत्तर प्रदेश, श्री PL पुनिया साहब उत्तर प्रदेश IAS, श्री देवीदयाल जी भारत सरकार में सेक्रेटरी, श्री श्री राम अरुण साहब, ऐसे लोगों के बच्चे ही आज IPS IAS बन रहे हैं। ये हमारी विडंबना है कि वो बार बार आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं और जो घास खोदने वाला, मजदूरी करने वाला, कमेरा समाज है, जो दलित समाज है, जो रोटी पानी से रोटी से भी वंचित है, उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल पाया, शिक्षा नहीं मिल पाई, तो आरक्षण को सीमित करते हुए शिक्षा को इंटर कॉलेज तक एक समान शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए और शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, तभी देश और समाज का, राष्ट्र का उत्थान होगा।